नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। राजस्थान में पुलिस के सहयोग के लिए एक योजना शुरू की गई है, जब पुलिस मित्र योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना में अब तक करीब 9000 आवेदन आए हैं। साथ ही बता दें कि ये आवेदन सबसे ज्यादा झालावाड़ से आए हैं। दिशा निर्देश में यही बताया गया है कि ये 25 सर्विसेज इसमें लिस्टेड आउट की हुई हैं जहाँ पे पब्लिक अपना योगदान दे सकती है। तो अगर लोगों ने किसी पर्टिकुलर सर्विस में योगदान देने के लिए लिस्ट आउट किया है खुद को, तो थाना अधिकारी स्वेच्छा से अपने स्व विवेक से अगर उसको किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि जहाँ मैं इनकी मदद ले सकता हूँ, वो उनको कॉल करके मदद ले सकते हैं। पुलिस मित्रों की संख्या अगर उनके पास अच्छी आ गई है तो उनकी बुला के मीटिंग ले सकते हैं। राजस्थान के नसीराबाद में गौवंश से भरा कंटेनर पलट गया, जिसमें करीब 30 गायों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये कंटेनर से गाय से भरकर कहीं जा रही थी और रास्ते में कंटेनर पलट गया, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। गायों से भरा कंटेनर पलट गया है। कंटेनर पलटने से करीब 30 गायों की मौत हो गई है। बता दें कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह गौवंश कहां ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि कंटेनर पलटने से कई गायों की मौत भी हो गई है। बता दें कि कंटेनर पलटने से करीब 30 गायों की मौत हुई है। मामला राजस्थान के अजमेर का है, जहां एक गायों से भरा कंटेनर पलट गया और इसमें सवार करीब 30 गायों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार ने अपना विधेयक राज्यसभा में दिया, जहां इस बिल के पेश होने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। तो वहीं जबलपुर में भी ब्राह्मण संघ और संघर्ष समिति के लोगों ने धारा 370 खत्म किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए इस ऐतिहासिक कदम को सराहनीय बताया और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत की आजादी में एक नया इतिहास आज लिख दिया। राजस्थान के तिजारा में गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 5 गौवंशों को तस्करों से मुक्त करवाया। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और बरामद की गई गायों को पुलिस ने गौशाला में भेजकर जांच शुरू कर दी है। तो वही झालावाड़ के पिंडावा कस्बे में आपसी कहासुनी के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली घटना के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए और पुलिस के अनुसार युवक ऋषिराज जिंदल देर रात दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था कि इसी दौरान वहां तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर इलाके के एक युवक से उसका विवाद हो गया था। तो वहीं आनंद फानन में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपी
इमरान अनवर और खालिद के खिलाफ मामला दर्ज कर हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्व के लिहाज से अब अंग्रेजी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार को इससे 60 करोड़ रुपए हर माह अधिक का राजस्व मिलेगा। ऐसे में अब अंग्रेजी शराब और बियर का एक्साइज ड्यूटी समान रूप से 35% हो गया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक राज्य में हर माह औसतन 500 से 600 करोड़ रुपए का शराब बियर का कारोबार होता है। राज्य में बियर और अंग्रेजी शराब बिक्री का अनुपात 30-70 के आसपास है। महाराष्ट्र में तीव्र मानसून की वर्षा ने कहर बरपाया और कल कुछ लोग मारे गए और सैकड़ों लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के सांगली से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बाढ़ में लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करती हुई नजर आई। बात करें अन्य इलाकों की तो ठाणे और पालघर में अगले 48 घंटों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुबह से दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश से करोड़ों लोगों को राहत मिली है। जहां बीते कुछ दिनों से दिल्ली में मौसम के तेवर काफी तल्ख थे और गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर वालों को आज राहत मिल गई है। तो वही सोमवार को भी बादल की लुका छुपी के बाद शाम को हल्की बारिश ने थोड़ी राहत जरूर प्रदान की है। झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में भी मोदी सरकार के इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश है। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस स्टैंड पर धारा 370 हटाए जाने पर लड्डू बांटे और एक दूसरे को बधाई दी। तो वही इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री किशन पारेख, नगर पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल ख्वास सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। धारा 370 कश्मीर में जो लगी हुई थी उसको हटाने के लिए सरकार का साहसिक कदम बहुत ही अच्छा रहा है और देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस तरह से जो अटल फैसला लिए, हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धारा 370 कश्मीर में जो लगी हुई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में कुछ समय से बच्चा चोर गिरोह की बात फैल रही थी, जहां इसी बीच लोगों ने इकट्ठा होकर करीब 6 ढोंगी बाबाओं को पकड़ कर जिन पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगा है। तो वहीं पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद कुछ और खुलासे भी संभव हैं। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में विश्व के 8 देशों की आर्मी के बीच रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही 5वां इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन हुआ, जहां मिलिट्री स्टेशन में सेना के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में 12 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत की गई। गौरतलब है कि भारत में पहली बार इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कॉम्पिटिशन का आयोजन हो रहा है। भारत इसकी मेजबानी के साथ साथ इसमें हिस्सा भी ले रहा है। मैंने बताया था कि ये एक प्लेटफॉर्म है शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम एक दूसरे से सीखेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग का फील्ड है, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज है, एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है और
दोस्ती को बढ़ाना है, टीम स्पिरिट को बढ़ाना है। ये एक मौका है और एक एम ये भी है ऐसे इवेंट का, एक दूसरे के साथ अलग अलग देश जो है कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जो है, जो हमारा प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है एक दूसरे के साथ। मध्य प्रदेश के नागदा में खाचरोद वार्ड पार्षद दीपक सोनी ने कांवड़ यात्रा लाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया, तो वहीं पार्षद का कहना है कि महाकाल की असीम कृपा है। साथ ही बता दें कि उन्होंने कांवड़ियों के खाने के साथ निजी वाहनों को पार करने की व्यवस्था भी की थी। इसके बारे में तो कहना चाहता हूँ कि विगत 5 वर्षों से मैं अपने निजी खर्चों से, मैं वार्ड पार्षद निर्मल सोनी हूँ, अपने निजी खर्चों से 5 वर्षों से ला रहा हूँ। अपना उद्देश्य यही है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भक्त दर्शन करें और उसकी दर्शन का लाभ लेवे और खाचरोद के लोगों को सुख शांति और समृद्धि मिले और बीमारी से दूर रखें। तो वहीं मध्य प्रदेश के देवास में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में नगर निगम पहुंचे और परिसर में जमकर हंगामा किया। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता महापौर का घेराव करने नगर निगम पहुंचे थे, लेकिन जब वहां महापौर नहीं मिले तो कांग्रेस कार्यकर्ता महापौर कक्ष के बाहर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। इसी दौरान कार्यकर्ता इतने भड़क गए कि महापौर कक्ष के नेम प्लेट पर जूते मारते हुए उसे तोड़ दिया, साथ ही महापौर कक्ष के पर भी जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने महापौर सुभाष गर्ग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर ठेकेदारों से मिलकर अपनी जेबें भर रहे हैं। चुकी है, सिवाय नगर निगम को बेचने के अलावा कुछ बचा नहीं है। देवास का मधु कोड़ा सुभाष शर्मा लील गया, नगर निगम को खा गया। जनता पूछना चाहती है कि पैसा गया कहाँ, आखिर कब तक चुकाओगे उनकी उधारी ठेकेदारों की, निर्माण कार्य कब शुरू होंगे देवास में, कितनी मुरम का बिल और पानी का बिल गया, 2 देवास की टेकरी आ जाए इस 5 साल में, इतने मुरम के बिल भर्ती हो गए। मेरा आरोप है सुभाष शर्मा जी और उनके साथी संलिप्त हैं ठेकेदारों के साथ। आज जनता पूछना चाहती है, युवक कांग्रेस विधायक का परिवार, युवक कांग्रेस पूछना चाहती है कि हिसाब दे, जनता के सामने हिसाब रखे और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए नगर निगम को। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार हो रही चालानी कार्रवाई से परेशान ऑटो रिक्शा चालकों ने काफी रोष देखा जा रहा है, जहां चालकों का कहना है कि हम गरीब ऑटो चालक दिन भर मेहनत करते हैं, जिसकी गाड़ी कमाई यातायात चालान करके अपनी जेब भर लेता है। इस दौरान चालक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन कप्तान ललित शाक्यावार से मिले और कप्तान ने मामले में तत्काल जिला कलेक्टर से बात की, जहां बात पूरी होने के बाद कप्तान ने कहा कि इन पर न्यायपूर्ण काम किया जाएगा। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट बूंदी के बैनर तले आज बूंदी प्राइवेट लेबोरेटरी एसोसिएशन के सदस्यों ने सभा की। यह सभा प्रदेश सरकार के क्लिनिकल एक्टिवेशन एक्ट के तहत लेबोरेटरियन और टेक्नीशियन पर लागू नियमों के विरोध में किया गया। बता दें कि सदस्यों का कहना है कि राज्य सरकार की इस नीति से प्रदेश के बड़े शहर के छोटे कस्बे में ब्लड टेस्ट की जांच में दुगनी और चौगनी रेट बढ़ेगी। खरगोन के बड़वाहा में सावन के तीसरे सोमवार में नगर निगम भगवान नागेश्वर महादेव की पालकी निकाली गई। वहीं पालकी में विराजमान नागेश्वर महादेव शाही ठाट बाट के साथ प्रजा का हाल जाना। वहीं सैकड़ों शिव भक्त भोले की आराधना में लीन नजर आए, जहां शहर के मुख्य मार्ग पर हर कोई जय शिव भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा था। तो वहीं इस दौरान भक्तों ने पालकी यात्रा का अनेकों जगह स्वागत किया, तो वहीं महिलाओं ने आरती उतारी और पुरुषों ने भोले बाबा के दर्शन करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। नागेश्वर नगर के अधिष्ठाता देव की आज पालकी यात्रा निकल रही है। निरंतर
दिन ब दिन बड़ी संख्या में भीड़ बढ़ रही है। लगातार 3200 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पालकी में। भगवान भोलेनाथ की पालकी में निरंतर बढ़ती भीड़, लगातार भीड़ बढ़ रही है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मंगलवार को डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर बैठ गया। दरअसल डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें सातवें वेतनमान के ग्रेड पे देने की बात कैबिनेट में रखी गई थी, लेकिन पिछले 6 माह बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि PGI की तर्ज पर हम सभी का ग्रेड पर निर्धारित होना है, लेकिन शासन की ओर से लगातार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग अगस्त 2018 में एम्स का अलाउंसेस का ऑर्डर आया था एम्स में 7th पे में। सबको मालूम है कि बेसिक तो फिक्स कर दिया गया था, पर अलाउंसेस पे कुछ डिस्प्यूट थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 जुलाई 2017 से ही अलाउंसेस लागू होंगे, भले अलाउंसेस बाद में डिसाइड हों। और उसी के आधार पर एम्स में अगस्त 2018 में लागू किया गया और भत्ते 2017 जुलाई से अनुमान्य किए गए। इस बात के लिए हम लोग भी लगातार मांग कर रहे थे, पर हम लोग लिखित केवल दे रहे थे। SGPGI वालों ने हड़ताल की और उनको फरवरी 2019 में ये ऑर्डर दे दिया गया कि आपको अलाउंसेज 1 जुलाई 2018 से मिलेंगे। हम लोगों ने कहा कि स्ट्राइक करना कहीं से उचित नहीं होता है, हम लोग बस उनसे कहेंगे। उन लोगों ने कहा कि SGPGI का लग गया है, आपका भी देर सवेर महीने। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दे रही है, तो वहीं सिद्धार्थनगर के अधिशासी अभियंता कार्यालय के कर्मचारी इस अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहाँ जगह जगह लगे गंदगी के ढेर इसकी वानगी बयां करते हैं। तो वहीं जब स्वच्छता को लेकर अधिशासी अभियंता से सवाल किया गया, तो उन्हें इसे पब्लिक की गलती बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश के नागदा के पास चिरौला से बड़ा गांव होती हुई नागदा मिलने वाली सड़क का इन दिनों बुरा हाल है, जहां ग्रामीणों के लिए पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। और हाल यह है कि बीच में पड़ने वाले गांव संदला का, जहां आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों का कहना है कि हमें साइकिल तो मिली लेकिन कोई काम की नहीं, जहाँ गाँव के सरपंच का भी यही कहना है कि ठेकेदार ने भराव में मोहर्रम की जगह मिट्टी डाल दी, जिससे पूरा कीचड़ सड़कों पर जमा हो गया, जिसे आम जन को परेशानी आ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसकी शिकायत हमने PWD को कर दी, पर वहां से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। निकिता, तुम भी साइकिल इसीलिए लेके नहीं आ रही, मतलब बारिश के कारण जो ये रोड सड़कों का हाल जो हुआ है, इसीलिए? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th। साइकिल तो मिली ना आपको? सर, आपका नाम? समृद्ध दास जी। आप शायद यहाँ पे इस गांव के सरपंच भी हैं? प्रतिनिधि। सरपंच साहब, तो ये बताइए कि ये जो सड़कें हैं, इसी ऐसी हालत क्यों हो रही इनकी? ये कच्चा मुहर्रम डाल रखा उसने, ठेकेदार ने। तो इसकी शिकायत आपने की नहीं ऊपर? नहीं, 2-3 बार बोला मैंने, ठेकेदार को बोला मैंने। हाँ, बाकी वो डाल ही रहा है। मतलब डाल ले आपका मतलब? हाँ। तो ऊपर भी आप शिकायत करो ना इनकी। SDO साहब से बात हुई थी मेरी PWD में। हाँ, तो PWD आके देखेंगे, बाकी वो आए नहीं। पिछले कई दिनों से खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से राजस्व विभाग के साथ मिलकर की जा रही मिलावट और कार्रवाई के संबंध में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने CM के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वे मिलावट खोरी पर की जा रही कार्रवाई का स्वागत करते हैं, लेकिन यह कार्रवाई इन मानकों के विरुद्ध की जा रही है। विदिशा के सिरोंज की अमीरगंज में CC सड़क में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जहां इस मामले को लेकर ग्रामवासियों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की,
लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि ग्राम अलीगंज में करीब 6 महीने पहले एक सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था, जो कि अब विभाग की खामी से पूरी तरह से उखड़ चुका है। अभी 10 दिन पहले जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी राय साहब आए थे। अमीरगढ़ ग्राम पंचायतों की 4 साल पुराने कामों की जांच एक जांच दल ने की है और उसमें माननीय विधायक जी, जो वर्तमान हमारे सुरंज के विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी हैं, उन्होंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है अमीरगढ़ का। उसके ध्यानाकर्षण की जाँच में 4 साल पुराने कामों की जाँच करके पूरा प्रतिवेदन शासन को गया है। भरतपुर के केतवाड़ा थाना क्षेत्र में कचरे के ढेर में एक नवजात बच्ची के मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक दिन की बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल बच्ची बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रज्ञा मिश्रा ने बाल की देखरेख में है। साबित हो रहा है, जहां शहर में 2 अलग-अलग स्थानों पर आवारा पशुओं के हमले में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं पहला हादसा शहर में स्थित कोठारी हॉस्पिटल में हुआ, जहां 62 वर्षीय महिला को आवारा पशु ने टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में PNB अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी घटना में घायल हुई महिला का उपचार भी PNB अस्पताल में ही जारी है। तो वहीं मामले में अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।